भाई अब तुम दोनों इस पे कोई महाज न खड़ा कर देना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ओ भाई हम खोजी हैं या मनमौजी? दोनों, यानी पक्के फौजी। होशियार दोस्त यार, आंखें नीचे पांव ऊपर हाथ सीधे सुपर डुपर सर सर। लो जी इन्हीं की कमी थी, आ गए मुल्क की तारीख में अवाम से ज्यादा हुक्मरानी करने वाले, रखा था सरहदों की हिफाजत के लिए। तो सरहदों के साथ साथ सरफिरों की भी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, वो शायद गलत क्या है। हमेशा की तरह काश आप बोलने से पहले तोल लिया करें। देखें जी आई एम अ सोल्जर, क्यों बोलूं तोल कर? यस सबको पता होना चाहिए कोई परचून या करियाने वाला तो नहीं। ठीक कहते हैं आप, सबको पता है, लेकिन सर पर्ची वाला काम तो आप करते हैं और करियाना भी आपके काम में शामिल है। सही, इस बात पर तुम्हारा कोर्ट फैसला हो सकता है, इस बात को साबित करो अभी इसी वक्त, वरना कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ दो कोड़ी के साथ। सर जी सर, उसका तो कहने का मतलब है कि आप तो पेपर वर्क के आदी हैं ना सर, पर्ची से मुराद यही है। और आप परफेक्शनिस्ट, वेरी सर, पर्ची से मुराद यही है। और आप परफेक्शनिस्ट, वेरी डिसिप्लिन। यस सर, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि सर आप कहते हैं ना वो करियाना से मेरी मुराद थी, ये काम करियाना वो काम करियाना करियाना ना करियाना। वैसे सर जी तरक्की हो तो आप जैसी। ऐसी भी क्या तरक्की जो हमारी तरक्की ले डूबी। पहले मैं कर्नल का रिश्तेदार, फिर जनरल का फरमाबरदार, फिर सियासत का दावेदार, फिर फौज में हवालदार, आगे चल के सूबेदार, फिर थोड़ा जिम्मेदार और चलाने लगे तख्ताएदार। ओए होए होए सर, क्या दार 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 तरीके से आप तख्ताएदार तक पहुंचे हैं, कहीं दार चीनी का कहवा तो नहीं पीते आप? और भाई पागल, ओ इतना दार दार कितने दुमदार, मेरा मतलब दमदार तकलीफ झाड़ी है, तभी तो हम सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में रहते हैं। मगर परखुरदार अवाम, अवाम के लिए भाई ऐवान, ऐवान पार्लियामेंट अवाम का हिस्सा है। ये सब अवाम का हिस्सा है, वरना माशाल्लाह हमें मार्शल लॉ लगाने से कौन रोक सकता है। यस सर सही कहते हैं आप, जब भी आवाम हमेशा आपको मेंढक देती है, मेरा मतलब है मेंढक मेंढक और मुस्लिम। इतना बेवकूफ मत ले इनसे पंगा, भूल गया रेफरेंडम? ये क्या दूसरों से बटालियन जा रही है? नहीं नहीं, लाइन हाजिर क्यों नहीं है? नहीं सर लाइन हाजिर है, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम तो आपकी काबिलियत और जवान मर्दी के मोहतरिफ हैं। बल्कि सर हम तो इस वर्दी के बड़े मोहतरिफ हैं। हम खुश हुए, दिल जिगर गुर्दे फेफड़े हर जगह से खुश हुए। खुदा ही खैर करे, इनकी तो रजामंदी भी बुरी और नाराजगी भी बुरी। ये फिर से कोई कुसूर बताने जा रही है? नहीं 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 सर, उसका तो कहने का मतलब है कि आप खुश हुए हम आपकी तरफ खुश हुए। ओह खूब, बहुत खूब, तुम दोनों मुझे इस नौजवान नौजवान के मुकाबले में काफी हवलदार, मेरा मतलब काफी समझदार रखते हो। यस हमें ऐसे ही जवानों की तलाश है, हमारी पलटन में आ जाओ तुम्हें मुंह मांगी महाराज देंगे। चंद मफाद परस्तों को नवाज कर इसी तरह मुल्क का 70% से ज़ाइद बजट तुम ले जाते हो और कौम कर्जों पर चल रही है, या तुम जैसे खुद कर्जों पर। सुनो अब की बात, ये मेजर मौका मैं जनरली हाथ से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे भी कैप्टन बनना है सर अपनी टीम का। सर और देखो ना पीपल्स का कितना ख्याल है, कितने अवामी हैं, कितने हक नवाज हैं, कितना नवाज रहे हैं सरदार तरीके, मेरा मतलब जोरदार तरीके से, तो फिर है ना दार दार दार। बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी, बात सुनो, अब होगा दमादम मस्त कलंदर। और अब धरना होगा इस्लामाबाद में, चलो इस्लामाबाद चलते हैं।
अबे ये खुर्द बुर्द कौन था? ये खुर्द बुर्द नहीं है, ये अदल बदल है और इसी चक्कर में हुकूमत और फौज को हिला के रख दे। मेरे दोस्त, ये सारी चालें इन्हीं के जरिए से चलवाई गई। हाँ मेरे दोस्त, ये जो जितनी चालें इन्होंने चलवाई है ना, ये सारी इन्हीं के जरिए से चलवाई। अब तुम मुझे मत बोल देना कि मैं फलसफी झाड़ रहा हूँ, ऐसी बात जी हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि फलसफा झाड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अगर ये मौका हाथ से गया तो सवालातों से नहीं बल्कि लातों से बात होगी। सर इसको छोड़े, तो बेवकूफ है, आप हमारी तरफ जरा नजरें गर्म करें ना, हमें नवाज दे ना, जैसे साइकिल पंचर वालों को। क्या हो तो मैं की नवाज आ जाए। क्या हो तो मैं की नवाज आ जाए। क्या तुम्हारी वापसी कच्ची है? नहीं नहीं, किसने कहा कि हमारी वापसी कच्ची है, लेकिन बात तो यही सच्ची है। हाँ लेकिन सर फिर भी सेठ हमसे हर बच्ची है। बहुत हो, यानी हर नौजवान हमारी तरह रंगीन मिजाज है। और आपने जो कुछ कहा, जो कर रहे हैं, वो निहायत संगीन मजाक है। क्यों, हम किसी लव चैलेंज में आए हैं क्या? यही तो बात है, आपको अपने चैलेंज की खबर नहीं और कौम को चैलेंज का सामना है। सर इसे छोड़े, बनाने मुझे अपना मन सूबे दार। और सर जी मैं भी आपके हवाले, बनाने मुझे अपना हवाल दार। तो गोया अब तुम भी मेरे वफादार वफादार। कैसे मौका भी हाथ से गया। जी मैं आता है अपने जूते से तुम्हारी पिटाई कर दूं। कर दे, अब तो इसको छोड़ना भी नहीं, इसकी पिटाई होनी चाहिए। तो तुम लोगों का क्या मकसद है? क्या हम हमेशा बासर लोगों को खुदा मानते रहे, चाहे सूटों वाले सरदार या बूटों वाली सरकार? सुन लो, इस कौम को ना यही बूटों वाली सरकार सूट करती है। तुम क्या चाहते हो, क्या ऐसे लोगों को सारे राह जूते लगाए जाए? किसी में हिम्मत है कि नहीं? हिम्मत है, अगर पैदा की जाए तो हिम्मत है। खुद को नातवा समझते रहे तो कैसे और क्यों कर हिम्मत पैदा होगी? कब मिलेंगे वो हिदायत बाबा? तेरा जूता भी तो टूट गया, देखना अब कौन जुटवाएगा भाई, है इतना बुरा जूता टूट जाएगा यार। लाओ बेटा, मैं तुम्हारे जूते की मरम्मत।